मौजूदा समय में स्थानीय निकायों में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने एक नया मोड़ ले लिया है। जिला सांबा में अनियमित सफाई कर्मचारियों के समर्थन में उतरे नियमित सफाई कर्मचारियों पर सरकार की गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। सांबा प्रशासन ने हड़ताल के समर्थन में उतरे कर्मचारियों के तबादले करने शुरू कर दिए हैं और कुछ सफाई कर्मचारियों को दूसरी जगहों पर तैनात होने का आदेश जारी किया गया है। वहीं पर इस हड़ताल के 18वें दिन कई जगहों पर हालात बेकाबू हो चुके हैं और सफाई कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं। और साफ तौर से सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो इसी तरीके से कार्य बहिष्कार करेंगे और धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रखेंगे। अब इस आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया है जहाँ पर सफाई कर्मचारी पिछले 18 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, काम छोड़ हड़ताल उनके द्वारा की जा रही है जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को जरूर परेशानी हो रही है। हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई, आरएसपुरा से तस्वीरें सामने आई, यहाँ पर कठुआ से, सांबा से, उधमपुर से, डोडा से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से तस्वीरें हमने आपके सामने रखी जहाँ पर कि कई कूड़े करकट के ढेर अलग अलग जगहों पर लगे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, महामारी फैलने का खतरा यहाँ पर लगातार फैला हुआ है। लेकिन अभी की सीधी तस्वीरें आपको सांबा से साझा कर रहे हैं जहाँ पर सफाई कर्मचारी यूनियन जो है वो यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और अब कहीं ना कहीं 18 दिन बीत जाने के बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही। और अब यहाँ पर एक नया मोड़ आया है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में, एक नया ट्विस्ट एंड टर्न निकल कर सामने आया जहाँ पर कि सांबा में जो नियमित कर्मचारी हैं यानी कि जो पक्के सफाई कर्मचारी है उनका तबादला होना शुरू हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन अनियमित सफाई कर्मचारी जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में उतरे थे और अब सरकार ने इनके खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है, उन्हें लगातार जो है अलग अलग जगहों पर उनकी ट्रांसफर्स जो है वो की जा रही है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया जिला सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से। अब ऋषि बताइएगा, एक नया मोड़ आ चुका है, जो यहाँ पर पक्के सफाई कर्मचारी हैं जो नियमित थे वो अनियमित सफाई कर्मचारियों के समर्थन में आते हैं, उन्हीं पर सरकार की गाज गिरना शुरू हो चुकी है, उन्हें ट्रांसफर किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। देखिए, इस खबर के दो पहलू नजर आते हैं जिसमें अगर बात करें तो जो डेली वेजर कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी हैं वो तो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 18 दिन हो चुके हैं उनके स्ट्राइक पर बैठे हुए और म्युनिसिपल काउंसिल्स हो या फिर कमेटीज हो, जो भी अर्बन लोकल बॉडीज के दायरे हैं वहां पर लगातार ये हड़ताल का सिलसिला जारी है। और आपने कल भी देखा कि कुछ एक जगहों पर छिटपुट घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर इन सफाई कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया और देर शाम होते होते इनको यहां से रिलीज भी किया गया। लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमें पक्का किया जाए, तभी हम जाकर अपनी हड़ताल को खत्म करेंगे। लेकिन इनकी हड़ताल का खत्म ना होना और शहरों की जो व्यवस्था इस समय चरमरा चुकी है, लगातार गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग जो है वो बाजारों से नहीं निकल पा रहे हैं और जो दुकानदार है वो जबरदस्त परेशानी का सामना कर रहे हैं क्योंकि दुकानों के बाहर इतने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ से जो है दुकानदार काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन अब एक सिलसिला में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, खासतौर पर जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं या फिर पुलिस के जो जो हमारे पर्सनल्स हैं, वो लगातार अपनी तरफ से एक मुहिम चला रहे हैं कि कुछ एक इलाकों से गंदगी को यहाँ से हटाने के प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। ये भी उनको रास नहीं आ रहे सफाई कर्मचारियों को कि वो कह रहे हैं कि आप कितनी देर तक ऐसा काम कर लोगे, काम तो हमारा है, हम ही करेंगे, लेकिन जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम अपने ये तमाम जो प्रदर्शन के सिलसिले ये जारी रहेंगे। लेकिन अब दूसरा पहलू ये है कि जो परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं वो भी इनके साथ हड़ताल पर हैं और परमानेंट सफाई कर्मचारियों का भी ये कहना है कि हमारा साथ इन्होंने उस वक्त दिया था जब हमें पक्का करने की एक जो जद्दोजहद शुरू हुई थी, तो हम पक्का हुए, इन्हीं की वजह से प्रशासन ने, सरकारों ने हमारा जो मसला है वो हल किया था। अब आज हम इसीलिए इनके साथ बैठे हुए हैं कि इनका भी मसला हल हो, हम इनका साथ देंगे। लेकिन अब जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ से ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है कि वो प्रशासन को भी रास नहीं आ रहा और प्रशासन ने अब यहाँ पर ये फैसला लेना शुरू कर दिया है कि कुछ जो नियमित कर्मचारी हैं उनके तबादले जो वो शुरू हो चुके हैं, सांबा से भी कुछ तबादले किए गए हैं या अदर जो बाकी अलग अलग जो हमारे इदारे हैं अर्बन लोकल बॉडीज के, वो चाहे उधमपुर है, आरएसपुरा है, जम्मू है या दीगर आसपास के कठुआ के इलाके हैं, यहाँ पर ये ट्रांसफर्स का यानी तबादलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन अब देखना ये है कि जो दोनों तरफ से अब ये जो जंग छिड़ चुकी है, एक तरफ प्रशासन भी अपने अपने जो इस समय जो ट्रस्ट को लेकर बात कर रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर जो काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, वो भी अपनी तरफ से इसलिए ये कदम उठा रहे हैं कि
परमानेंट सफाई कर्मचारियों को क्या दिक्कत है? परमानेंट सफाई कर्मचारी तो काम कर सकते हैं, क्योंकि 18 दिन बीत चुके हैं, महामारी फैलने का खतरा साफ तौर से देखा जा रहा है, अलग अलग जगहों पर कूड़े करकट के ढेर लगे हैं। लेकिन क्या कुछ लगता है कि आपको नहीं लगता कि टेबल टॉक कर इन लोगों की मांगे पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार इन्होंने भी अपना पेट पाला है, इनको भी अपनी मांगे जो है वो इनकी जायज मांगे हैं जहां तक अगर देखा जाए तो? क्या कुछ लगता है 18 दिन बीत जाने के बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, और अब जब नियमित सफाई कर्मचारी इनके समर्थन में है तो उनके भी ट्रांसफर्स हो रही है, सरकार किस तरीके का रवैया अपनाती नजर आ रही है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, यही बात तो सामने आ रही है कि जो सफाई कर्मचारी है वो कहते हैं कि हमें नेगोशिएशन के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है और वहां पर कुछ और फरमान जारी कर दिए जाते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी मांगों की तरफ गौर किया जाए, उस मांगों को छोड़कर प्रशासन जो सरकार जो है वो एक यहाँ पर फरमान जारी कर देती है, तबादले उनकी तरफ से किए जाते हैं और हमें समय दिया जाता है कि आपका मसला जल्द हल हो जाएगा। लेकिन अगर मसला हल हो जाएगा तो ये कहते हैं कि हमें रिटर्न में दे दिया जाएगा, इतने वक्त में हमारा मसला हल हो जाएगा। देखिए टेबल टॉक का भी इस जो आप कह रहे हैं कि रिजल्ट है वो सामने नहीं आ रहा, इसलिए सफाई कर्मचारी कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो जब हमारे साथ नेगोशिएशन करें, टेबल टॉक करें, उसमें जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स है वो वहां पर मौजूद रहे, जो कंसर्न एमएलएज हैं वो वहां पर मौजूद रहे, उनकी मौजूदगी में ये सारा प्रोसेस चलाया जाए ताकि एक वैलिड उनको जो है वो एक आश्वासन मिल जाए कि उनका मसला जो है वो हल हो जाएगा, तो वो काम पर वापिस आ जाएंगे। लेकिन जो इस समय सिचुएशन है वो वर्स से वर्स सिचुएशन जो है वो शहरों की लगातार बनती जा रही है, और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, अभी तो हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं रोड के पीछे पीछे, इसके बाद हम रोड के बीचों बीच आएंगे, वहां पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे और ईंट से ईंट सरकार की जो बजा देंगे। लेकिन अब देखना है कि मध्यस्थता कहां पर होती है, यानी नेगोशिएशन कहां तक होती है ताकि ये मसला हल हो जाए। देखिए ये पहली बार इनकी स्ट्राइक नहीं हो रही है, इससे पहले भी कई बार इन्होंने अपनी हड़तालें जो वो शुरू की थी और उसमें आश्वासन देने के बाद ये हड़तालें खत्म हुई। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई इसमें हल जो वो अब निकालने का वक्त आ गया है, क्योंकि काम इनका है यही करेंगे। लेकिन अब जो शहरों की हालत है, देखिए हम भी जब बाजारों से निकल रहे हैं तो हमारे भी हमें भी दिक्कत होती है, लोगों को दिक्कत होती है, खासतौर पर दुकानदार तबका जो है वो सबसे ज्यादा इस समय प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है। बेचारे कुछ दुकानदार तो ऐसे हैं कि जो अपने खर्चे पर सब वहां से गंदगी उठा रहे हैं, जला रहे हैं उसको, ताकि स्मेल, फाउल स्मेल वहां पर क्रिएट ना हो। लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, बच्चे बदतर होते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई कदम जो है वो उठाने का वक्त आ गया है। अभी अभी नई सरकार बनी है, पहले कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई पार्टियां यहां पर रूल करती नजर आई, लेकिन इन सफाई कर्मचारियों को हमेशा से नजरअंदाज किया गया। अब नई सरकार से शायद इनको उम्मीदें होंगी, तभी लगातार अपना प्रोटेस्ट जारी रख रहे हैं। नई सरकार को किस तरीके से इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए, और विधायक जो यहाँ के हैं, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको इन्हीं लोगों ने जिताकर आगे विधानसभा में भेजा है, वो किस तरीके से इनकी मांगे वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरह से ये एक लंबा मसला जो है वो बनता जा रहा है, इससे पहले भी आपने देखा कि डेली वेजेस जो है वो अपने मसले को लेकर लगातार प्रदर्शन करते नजर आए, सड़कों पर आए, लाठियां भी उन्होंने खाई हैं। मैं सिर्फ सफाई कर्मचारी डेली वेजेस की बात नहीं कर रहा, बल्कि अलग अलग विभागों के डेली वेजेस, और उसमें कहीं ना कहीं सरकारों ने आश्वासन भी दिया, प्रशासन ने भी आश्वासन दिया, लेकिन वो आश्वासन मात्र सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए, उन्हें अमलीजामा नहीं पहनाया गया। और लगातार आप देख रहे हैं कि कई सरकारें आकर चली गई लेकिन वो मसला अभी तक हल नहीं हुआ। पिछली सरकारों ने भी उनको आश्वासन दिया कि हम आप जब सत्ता में आएंगे तो हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन अब नई सरकार है, नई सरकार ने शुरू से ही एक संकेत दिया है कि हम डेली वेजेस का मसला हल करेंगे। अब देखने कि वो कितनी जल्दी मसला हल करेंगे। देखिए जब उन्होंने ये इशारा किया, ये संकेत दिया, तो उनको एक उम्मीद की किरण बन गई कि अब ये सरकार जो वो हमारे बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचेगी। इसलिए हमने कुछ डेली वेजेस से भी बात की थी, उनका भी ये रिएक्शन आया कि सामने कि जो यहाँ मंत्री हैं जावेद राणा, उनके साथ भी कुछ डेली वेजेस की। तो चलिए ऋषि से संपर्क टूट चुका है, ऋषि यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे सांबा के वाले से, जहां पर कि लगातार सफाई कर्मचारियों का जो आंदोलन है वो अब तेज हो चुका है, लेकिन इस आंदोलन में एक नया ट्विस्ट आया है। अब ये ट्विस्ट क्या है, सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है स्थायी कर्मचारियों पर, जो कि यहाँ पर नियमित तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि डेली वेजर्स नहीं है, जो कि परमानेंट पक्के मुलाजिम हैं, उनके तबादले शुरू हो चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर किया जा रहा है। अब क्योंकि नई सरकार आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नई सरकार यहाँ पर बनी है, और कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार मिली है, तो इन सफाई कर्मचारियों के साथ साथ अन्य जितने भी लोग हैं जो डेली वेजर्स हैं, उन्हें कहीं
ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर उनके दिल में थी, एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अब उनके जो मसले हैं, जो मिसाइल हैं, जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। लेकिन अभी सरकार कहीं ना कहीं कड़ा रुख अपनाती नजर आ रही है और जो लोग इनके समर्थन में आ रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन कहीं ना कहीं सरकार ले रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 18 दिन बीत जाने के बाद भी किस तरीके से और कितने लंबे अंतराल तक इन लोगों को अपना आंदोलन जारी रखना पड़ेगा।